आशा के ऑफिस के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेज को बारीकी से देखा जा रहा था। पुलिस को कोई एक बारीक सुराग चाहिए था जो इस केस के अंधेरे पर रोशनी डाल पाता, और आखिरकार वो सुराग मिला। सर, एटीएम के अंदर का भी फुटेज है? हाँ सर। कमाल है, कैश नहीं लिया। शायद ट्रांजेक्शन फेल हो गया होगा सर। सर, आशा के बैग में से हमें मनी पर्स या डेबिट कार्ड कुछ नहीं मिला। आरएलजे बैंक का एटीएम है, इस फेल ट्रांजेक्शन के बारे में हम बैंक के साथ चेक कर सकते हैं सर। आशा की फ्रेंड पूजा से पता करो कि आशा का आरएलजे बैंक में अकाउंट था क्या। सर, होने को तो ये आदमी हमारा मुजरिम हो सकता है, चांस लेने की बात है। प्रभाकर सर, इस आदमी की ट्रैकिंग शुरू कर दो। यस सर। यस सर, आशा का आरएलजे बैंक में अकाउंट था, वो उसी का डेबिट कार्ड यूज करती थी। ब्रांच याद है आपको? यस सर, यही मनोजा बकम ब्रांच में, मैंने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था। वेरी गुड, इसका मतलब हम सही ट्रैक पर हैं। सर, मैंने आरएलजे बैंक की मनोजा बकम ब्रांच को इन्फॉर्म कर दिया है, उन्हें सीसीटीवी फुटेज फॉरवर्ड करो। जैसे ही डिटेल्स आती हैं तुम्हारे पास मुझे कॉल करो। जून रात 11:45 पर आशा रमन के डेबिट कार्ड से एक फेल ट्रांजैक्शन हुआ है। जिसने भी आशा रमन का डेबिट कार्ड यूज करने की कोशिश की उसे उसका पासवर्ड पता नहीं था, क्योंकि 3 बार रॉन्ग पासवर्ड एंटर करने के बाद डेबिट कार्ड लॉक हो गया। सर, एक बात तो क्लियर है, ये कातिल जितना हमारे लिए अनजान है उतना ही आशा के लिए भी अनजान था, क्योंकि उसे आशा का डेबिट कार्ड पासवर्ड मालूम नहीं था। उसने आशा को जान से मार डाला सर। क्लियरली मर्डर करने का मकसद चोरी था, और शायद उसने आशा को मारने से पहले उसके एटीएम का पासवर्ड भी जानने की कोशिश की होगी सर, जो आशा ने उसे दिया नहीं, और गुस्से में आकर उसने आशा को मार डाला। शायद या शायद नहीं। अभी इस वक्त हमें सिर्फ इतना मालूम है कि यह नकाबपोश आशा का कातिल हो सकता है, लेकिन यह कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह हमें तभी पता चलेगा जब हम इस नकाबपोश को बेनकाब कर देंगे। हर इन्वेस्टिगेशन में पहला सुराग, पहली लीड एक चिंगारी की तरह होती है, जिससे तहकीकात में वो आग सुलगती है जिसकी रोशनी में केस अपने अंजाम तक पहुंचता है। पर इस केस में चिंगारी हल्की थी, एक नकाबपोश आदमी जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, और इस कत्ल का मकसद भी किसी भी एंगल से दिखाई नहीं दे रहा था। सवाल पर सवाल उठते जा रहे थे, पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, और पुलिस के हाथों में वक्त घटता जा रहा था। इस चिंगारी के बुझने से पहले इन्वेस्टिगेशन का आग पकड़ना बेहद जरूरी था। बीस से 25 साल का लगता है, कपड़ों से लोअर क्लास का लग रहा है, मजदूर भी हो सकता है। इसने अपने चेहरे को इस तरह से ढका हुआ है मानो जैसे चेहरा ढकने की आदत है इसे। यहाँ के लोकल मजदूर कामगार इस तरह से अपना चेहरा नहीं ढकते। इसके गमछे के पैटर्न को गौर से देखो, यहाँ का नहीं लगता है। दूसरे राज्यों से हजारों, शायद लाखों मजदूर चेन्नई में अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। उन सभी जगह पर फैल जाए, जो कुछ तुम लोगों को लगेगा मिलेगा, लेकिन ये आदमी मिलना चाहिए। सर, सबसे ज्यादा मजदूर कंस्ट्रक्शन लाइन में है। सर, वो मच्छी मार्केट और सब्जी मंडी में भी बहुत सारा मजदूर काम करता है। सर, ये मर्डर देवी बक्कम में हुआ ना? हाँ, झाड़ियों में, लड़की के ऑफिस से 600 मीटर दूर। सर, उस इलाके में 2-4 जगह ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा बाहर का मजदूर काम करता है। सर, ठीक है, वहीं से शुरुआत करो, लेकिन जल्दी। तो 4 घंटे पहले आशा रमन के फोन से कॉल किया गया था, हमें अभी फीड मिली है सर। आशा रमन के मोबाइल में 2 सिम कार्ड थे ऑफिसर,
बता सकते हैं किस कार्ड से कॉल गया? ये नंबर किसी गजानन क्रूसर का है, पेलोपरम का नंबर है सर। सर, गजानन क्रूसर आशा रमन के अप्पा का भतीजा है, जिसने उसके लिए मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदा था, जो शिवरमन ने एक साल पहले अपनी बेटी आशा को गिफ्ट दिया था। सर, कॉल यहाँ चेन्नई से 12/7 पश्चिम बंगाल को किया गया। अंधेरे में चलाए गए हमारे तीर सही निशाने पर लग रहे हैं। हमारा शक बिल्कुल सही निकला, 12/7 वेस्ट बंगाल। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आशा रमन का हत्यारा या फिर हत्यारा आउट ऑफ स्टेट से। प्रभाकर सर, पता करो आशा रमन या उसकी फैमिली का 12/7 वेस्ट बंगाल से कोई कनेक्शन है क्या? जी नहीं, हम वहां किसी को नहीं जानते, और जहां तक हमारा ख्याल है आशा भी वहां किसी को नहीं जानती थी। शायद चेन्नई आने के बाद 12/7 वेस्ट बंगाल के किसी आदमी से कॉन्टेक्ट हुआ हो। नहीं सर, आशा ने कभी भी ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं बताया, और हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर बताती। उसके ऑफिस में कोई कलीग, कोई क्लाइंट, कोई पुराना दोस्त? नो सर, हमारे कॉलेज में वेस्ट बंगाल से कोई था ही नहीं। मैं आशा के सारे फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उस साइड से कोई भी हमारे ग्रुप में नहीं था। ठीक है शंकर, तुम एक काम करो, कुछ दिन तक तुम चेन्नई में ही रहना, हो सकता है हमें तुम्हारी दोबारा जरूरत पड़े। मैं आपके जो भी काम आ सके मेरे लिए वो काम होगा। सर, 12/7 में जिस लोकेशन से कॉल किया गया था, सर्विलेंस टीम से वो लोकेशन आ गई है। क्राइम सीन से क्या गया था? उसके काफी आसपास है, देवी बक्कम एरिया ही शो कर रहा है। मतलब क्रिमिनल चेन्नई में ही है, क्राइम सीन के कहीं आसपास है। प्रभाकर सर, फुल असॉल्ट, पूरी ताकत लगाकर देवी बक्कम का एक एक इंच खुदवाओ, आउट ऑफ स्टेट का एक एक मजदूर, खास करके वेस्ट बंगाल के, सबको राउंड अप पे लो। यस सर। सर, वेस्ट बंगाल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि 12/7 में जिस नंबर पर कॉल गया था उसे क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में ले ले। गुड, इस वक्त हमारे पास दो इंपोर्टेंट सुराग है। पहला सुराग था एटीएम के सीसीटीवी की फुटेज, दूसरा सुराग था आशा के फोन से हुआ कॉल 12/7 वेस्ट बंगाल में। सुरागों की चिंगारियां भड़क रही थी और पुलिस के रास्ते पर रोशनी फेंक रही थी। नकाबपोश क्रिमिनल से पुलिस अब दूर नहीं थी, और तब एक और चिंगारी भड़की और पुलिस के हाथ लगा इस केस का सबसे अहम सुराग। ये कितना दिन पहले का बात है अन्ना? 2 दिन पहले। तुमको बाली दिखाया? दिखाया नहीं, पूछा ये बाली को किधर बेच सकते करके। अब एक सिंगल बाली कौन खरीदेगा सर? एक सिंगल बाली? हाँ, एक सिंगल बाली। थम्बी, कॉफी वाला पहचानता उस आदमी को? बोल रहा था रोज इधर आता है करके सर, इधर सामने में एक बिल्डिंग बन रहा है, उधर मैं सुपरवाइजर है। जगन, जगन नाम है सर। मैंने बाली के बारे में इंक्वायरी की थी, लेकिन उसका किसी मर्डर से क्या लेना देना? बाली है ना तेरे पास? है, लेकिन बताइए तो हुआ क्या है, मैंने किया क्या है? ये तो बाली ही बताएगी। साहब, साहब, ये मेरा नहीं है साहब। फिर? मेरा एक मजदूर है साहब, मनोज, उसकी माँ का है साहब, वो इसको बेचना चाहता था। सिर्फ एक? एक कोई बेचना चाहता था? हाँ साहब, पता नहीं क्यों एक को ही बेचना चाहता था। प्रभाकर, बुलवा लिया उनको। आशा का ही है, आपको कहां से मिला? सर, पूरा मनोज। ए मनोज,
इधर आ। दवा कर दे। ए रुक। बाकी है चलो गाड़ी में। प्रभाकर सर, सबसे पहले इनके फिंगरप्रिंट्स ले लो और वेपन के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच के लिए भेज दो। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबूत हो सकता है। सर साहब, ये मनोज यही आया था मेरे पास बाली लेकर। कब? 3 दिन पहले। इसको बेचना है, आप अच्छा दाम दिला दो साहब। ये तो सोने का लगता है। हाँ, मेरा माँ का है, बोला बेच दो। तेरी माँ यहाँ कब आई थी? वो नहीं आया, पिछले महीने मैं गांव गया था ना, तभी बोला बेच दो। एक ही कान का बाली दिया बेचने को? दूसरा मेरे भाई को दिया। आप भी साहब जल्दी आप बोलो ना कितना दाम मिलेगा साहब। साहब ये मनोज का गाँव बंगाल में कहीं है, अब 12-7 ऐसी कोई जगह है साहब। 12-7 वेस्ट बंगाल। हाँ, आशा रमन के फोन से कल 12-7 फोन भी किया गया। आशा रमन, वो बीपी वाली लड़की जिसका मर्डर हुआ? हाँ, और ये बाली जो तुम मनोज के लिए बेचने की कोशिश कर रहे थे, ये भी आशा रमन की है। तो फिर साहब वो मनोज और अनिल के साथ वो राकेश भी इसमें शामिल होगा। राकेश? कौन राकेश? राकेश दास साहब, वो भी इन्हीं के गांव का है, मेरे यहाँ ही काम करता है। और वो फोन तो मेरे पास है साहब। क्या? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया जगन? साहब वो एक और मजदूर है पल्लव साहू, उसने दिया मुझे। इसे रखिए साहब। किसका है, मैं क्यों रखूं? साहब वो राकेश दास का है। तो उसको देना, मुझे क्यों दे रहा है? वो कहीं गया है साहब, उससे एक फोन करने के लिए लिया था, साथ रखने में डर लग रहा है, टूटा उठा तो काम के वक्त। रख लो ना साहब यहाँ। अम्मा है तो सबका, हाँ, जो अपनी सारी चीजें सब तेरे पास छोड़कर जाते हैं। मैं सुपरवाइजर हूँ इस साइट पर, सभी मुझ पर भरोसा करते, छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास आते हैं। ये जो छोटी छोटी बातों के लिए सब तेरे पास आते हैं, उन्होंने बड़ी बात की, कांड किया है, हत्याकांड। ये पल्लव साहू और राकेश दास कहाँ मिलेंगे? पल्लव साहू तो यहीं कहीं साइड पर होगा साहब, और राकेश उस शैलेश के साथ गांव गया है साहब, वो कलकत्ता साइड में कहीं। ये पल्लव साहू जिसने तुझे मोबाइल दिया, जहां पर भी है तुरंत हमारे सामने हाजिर कर, और अब कोई छुट्टी उट्टी पर नहीं जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो पूरी साइड को थाने में आना होगा, मर्डर का केस। जी साहब। सुरागों की चिंगारियां मशाले बन गई थी, लेकिन आग कुछ ज्यादा ही फैल गई थी। एक के बाद एक नए नए सस्पेक्ट्स खड़े हो रहे थे। मनोज रॉय और अनिल पाठक तो पक्का दोषी जान पड़ रहे थे। अब सुपरवाइजर जगन ने पल्लव साहू का नाम भी लिया था, जिसने उसे आशा का मोबाइल फोन दिया था रखने के लिए, और फिर राकेश दास और शैलेश बिस्वास के नाम भी उभरे थे। इन सभी नामों के सामने आने से एक बात तो बिल्कुल साफ हो रही थी कि इस लूट और हत्या के कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे, और कोई एक था जो सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठा था। आखिरकार कौन था वो और चुप क्यों था वो? साहब मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए राकेश से उसका फोन ले लिया था घर फोन करने के लिए। राकेश, मेरा बैलेंस खत्म हो गया, गांव फोन करना है, अर्जेंट फोन देना। साहब फोन खत्म करके जब मैं मुड़ा
राकेश वहाँ से जा चुका था। मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ, काम पर लौटना था, इसलिए मैंने फ़ोन जगन साहब को दे दिया और बोला राकेश आएगा तो उसको दे देना, है ना जगन साहब, मैं सच बोल रहा हूँ ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच बोल रहे हैं। तुम बोलते रहो, क्या सच है क्या झूठ है ये हम छांट लेंगे। राकेश छुट्टी पर कब गया था? कल रात की ट्रेन से, वो शैलेश भी साथ में गया है 10 दिन के लिए। ट्रेन का नाम बताया था? नहीं साहब, ट्रेन का नाम तो नहीं बताया, लेकिन मेरे यहाँ के ज़्यादातर मजदूर 12-7 वेस्ट बंगाल से हैं, वो चेन्नई हावड़ा मेल लेते हैं, वहाँ से पैसेंजर ट्रेन लेकर फिर 12-7 पहुँचते हैं। सर मर्डर वेपन से मिले फिंगरप्रिंट्स ना मनोज रॉय से मिले और ना ही अनिल पाठक से। इंटरेस्टिंग, और कुछ? हाँ सर, एटीएम कार्ड, दूसरी बाली और आशा का मनी पर्स, ये सब हमें मनोज रॉय के झोंपड़े से बरामद हुआ। नारायण सर, जब्त कर लो इसे। पूजा थॉमस ने पहचान लिया कि ये मनी पर्स आशा रमन का ही है। अब इसमें जरा भी डाउट नहीं है कि मनोज राय और अनिल पाठक इस लूट और मर्डर में शामिल है, और जो मोबाइल छोड़कर गया था राकेश दास, वो इनका तीसरा साथी है। सर मैंने चेन्नई हावड़ा मेल की टाइमिंग चेक की है, ये ट्रेन कल सुबह हावड़ा स्टेशन पहुंच जाएगी। प्रभाकर एक काम करो, तुरंत कोलकाता की पहली फ्लाइट पकड़ो और इस राकेश दास को हावड़ा स्टेशन पर ही धर लो। सुपरवाइजर जगन को भी साथ में ले लेना, और याद रहे किसी भी सूरत में ये तीसरा सस्पेक्ट हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। यस सर। पता है हमने तुम्हारी उंगलियों के निशान पहले ही क्यों लिए? क्योंकि बाद में शायद हमें तुम्हारी उंगलियों की जरूरत पड़ेगी नहीं। तुम्हारी उंगलियों के निशान आशा के एटीएम से, उसके पर्स से, उसकी हर चीज से बरामद हुए, इसलिए अब हमें तुम्हारी उंगलियों की कोई खास जरूरत, और तुम्हारी उंगलियों की नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ पैर किसी भी चीज की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए एक एक करके तबियत के साथ उन्हें तोड़ेंगे। और यकीन मानो मेरा, तुम लोगों को दर्द नहीं होगा, दर्द का बाप होगा। इसलिए जो भी सच है वो एक झटके में बोल दो, नहीं तो एक झटके में तुम लोगों की उंगलियां टूटेंगे। बोला बोलो बोलो, अभी बोलो ना, तुम बोलो, हमें बोलो ना, ये अभी तुम्ही बोलते रहोगे, जल्दी बोलो जो भी कुछ है, नहीं तो मेरा डंडा बोलेगा। नाना मारो ना सर, हम कबूल करता है, हमने किया सर। हम बहुत दिनों से सोच रहा था, बड़ा पैसा चाहिए, और सर हम लोगों का नसीब में बड़ा पैसा सुध ऐसा आ सकता है, चोरी कर। अरे चामो चोटा, जादू का डंडा नहीं तो घुमाएगा और खाना आ जाएगा। तुम लोग को अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा अच्छा रहना है ना, तो पैसा चाहिए पैसा। अपना नसीब में कोता है पैसा, पढ़ा लिखा भी नहीं है। अरे तो पढ़ा लिखा लोगों के पास तो है ना पैसा, छीनता वो लोग से, लूटता है सालों को। किसी को लूटना ईंट लगाने जैसा आसान काम नहीं है। हाँ लूटेगा किसको? एक दूसरा को, क्या सुपरवाइजर जॉगन को? ए बोका, लूटने का मन बनाना होगा, पैसा वाला अपने आप सामने आएगा। कहाँ से? आपके पास जादू का डंडा है क्या? वो अपना साइट का पीछे का रास्ता है ना, ऑफिस वाला बिल्डिंग से आता है, वहाँ रात में काम करने वाला लोग टैक्सी ऑटो पकड़ने के लिए बड़ा रास्ता तक पैदल जाता है, एकदम सुनसान रास्ता है। वहाँ सिर्फ एक बात का कमी है, हमारा हमारा कमी है। वहां जाता है और ये जादू का डंडा घुमाता है, बहुत माल मिलेगा। राकेश जितना आसान बोला था सर, उतना आसान नहीं था, अनेक दिन इंतजार किया।
अनेक दिन ऐसे इंतजार किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता। हम दोनों उम्मीद छोड़ चुका था। राकेश बोला एक रात कोशिश और करता है, और उसी रात को वो लड़की आया सामने से। आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं। पैसा वैसा होगा इसके पास? हमसे तो ज्यादा ही होगा, बहुत माल होगा। ये जो बड़ा बड़ा कंपनी में काम करता है ना, ये बहुत माल बनाता है, मोबाइल कंप्यूटर और कुछ नहीं तो गहना तो होगा ही होगा। सर, राकेश के पास छुरा था। कहां से आया छुरा? पहले से था? ना सर, उसने खास इस काम के लिए खरीदा था। सिर्फ पैसा चाहिए मैडम, चिल्लाएगा तो गला काट देगा। मैं नहीं चिल्लाऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। ये लो, जितने पैसे चाहिए सारे ले लो। सुनो, 400 टका और पैसा किधर है? ओ, मैं ज्यादा कैश रखती नहीं हूँ, एटीएम कार्ड है इसमें, मैं आपको एटीएम ले चलती हूँ, वहां से मैं आपको कैश विड्रॉ कर दूंगी, प्लीज। ओए मैडम, हमको बोका समझिए क्या? वहां जाके चिल्लाओगी और हमको मरवा दोगी, है ना? मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाऊंगी, मैं किसी को कुछ बताऊंगी भी नहीं, मैं आपको बस कैश निकाल के दे दूंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कौन एक दिन इंतजार किया कि जी कौर बो कि जो हाथे पाप मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा। कोई बात नहीं, जो हाथ लगा है उसी का मजा लिया जाए। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं। कुछ नहीं किया था सर, इसने और राकेश ने दोनों ने मिलकर उसको खराब किया। तू जा। तब इसको भेज देते हैं। हे राकेश, क्यों कर छो? तेरा, इसका और खुद का जान बचा रहा है। यदि ये यहाँ से जिंदा गया ना, हम तीनों जेल में जाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। मैं किसी को कंप्लेन भी नहीं करूंगी, कुछ नहीं बताऊंगी किसी को, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीने दो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज। ना, मरना तो होगा। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। चौ माल बोलो, उठा बैग ले, बैग ले, कान का बाली उठा, हाँ उसका मोबाइल उठा, उसे कान का बाली निकाल, हाँ उधर 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 वाला कान का भी निकाल, निकाल। चल चल चल, बेरी गए थे, चल पला पला पला, चल एटीएम कौन गया था? मैं गया था साहब। कितना मिला? ये चुना
माने किचू पासवर्ड वासवर्ड मांग रहा था, हम कितनी बार बटन दबाया, किचू बाहर नहीं निकला, कार्ड बाहर आ गया। की यार इतना सब कुछ किया, 100-100 रुपया हाथ में, कुछ नहीं मिला। छाड़ना मौजा मारा ना, हाँ अभी भूल जाओ, चुपचाप यहाँ से निकल लो। जैसा हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, क्यों बुझ ली? चलो मेरो। तुम तीनों के अलावा कोई और भी शामिल था इस कांड के बारे में? किसी और को भी मालूम था? हम तो किसी को नहीं बताया साहब। ठीक है, अब मैं भी किसी और को नहीं बताऊंगा। की सर? यही कि तुम दोनों की हड्डियां कैसे टूटी। चेन्नई क्राइम ब्रांच सीआईडी की टीम को किसी भी तरीके से मुख्य आरोपी राकेश दास को पकड़ना था, इससे पहले कि वो भाग खड़ा होता। बीपीओ एम्प्लॉय आशा रमन के शॉकिंग मर्डर केस का तीसरा और मुख्य आरोपी राकेश दास आखिरकार पुलिस की हिरासत में आ गया था। ट्रेन में राकेश के साथ पत्ते खेलते उसके दोस्त शैलेश विश्वास ने इस केस के कुछ और पत्ते खोले। साहब उस रात को मैं बहुत डर गया था जब राकेश घर लौटा, वो भी काफी डरा हुआ था और उसके हाथ में कीमती मोबाइल था। क्या हुआ? खून? और ये मोबाइल कहाँ से है? इतना पसीना क्यों आ रहा है दादा? कुछ लफड़ा हुआ क्या? क्या खून? क्या की बोल छो तुम दादा? तो तुम्हें उस रात से ही मालूम था कि राकेश ने मनोज और अनिल के साथ मिलकर ये मर्डर और रेप किया है? रेप वेप का हमको नहीं मालूम साहब, कत्ल किया है बस इतना जानता था, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पाया क्योंकि राकेश ने मुझे धमकी दी थी साहब। माथा में भुकिए ने यदि किसी के सामने मुंह खोला काट के गाड़ देगा, और सुन भागने का कोशिश मत करना, तो पहले ढूंढेगा फिर काटेगा, समझा? साहब मुझे सिर्फ इतना पता था कि राकेश अनिल और मनोज ने मिलकर किसी का कत्ल किया है, किसका कत्ल किया है, कौन था, क्या था, ये सब कुछ भी नहीं पता था, और मैंने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की साहब। फिर कुछ नहीं हुआ साहब, हम लोग जैसे पहले बात करते, पत्ते खेलते, खाना खाते, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जिंदगी पहले जैसी हो गई। ऐसा हुआ है आज तक? जुर्म सबकी जिंदगी बदल देता है, बुरे के लिए बदल देता है। जुर्म का शिकार, जुर्म करने वाला और जुर्म के बारे में जानने के बावजूद चुप रहने वाला, सबकी जिंदगी खराब हो जाती है।
मिस्टर रमन आशा उन्हें नहीं जानती थी, वो तीनों भी आशा को नहीं जानते थे, उन्हें बस पैसे चाहिए थे। तो पैसे नहीं मिले तो आशा को मार दिया ऐसे ही इतने आराम से? जी ऐसे ही। मेरी बेटी की तरह वो तीनों भी इस शहर में रोजी रोटी कमाने आए थे। मेरी बेटी मेहनत करके ऊपर उठना चाहती थी, लेकिन वो तीनों चोरी लूट करके ऊपर उठना चाहते थे। आशा ने उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उन्होंने आशा को ही अपना निशाना बनाया, चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन पैसे नहीं जान चुरा ली उसकी, और साथ ही हमारी भी बेजान छोड़ दिया। तीनों आरोपियों राकेश दास, मनोज रॉय और अनिल पाठक के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई। प्रशासन ने इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर डाल दिया और 9 महीने के अंदर स्पेशल महिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। राकेश दास, मनोज रॉय और अनिल पाठक, इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बलात्कार के चार्जेस कभी साबित ही नहीं हो पाए क्योंकि लाश इतनी गल चुकी थी कि पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट का पता ही नहीं चल पाया और सिर्फ आरोपियों के कबूलनामे को सबूत नहीं माना जाता। तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए। ये केस फिर एक बार एक गंभीर समस्या पर रोशनी डालता है और वो है बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट उपलब्ध ना करवाना। दूसरी तरफ औरतों की जान मान गरिमा की सुरक्षा को लेकर हर किस्म का शोर मचाया जाता है, लेकिन कटु सत्य ये है कि हर रात की शिफ्ट के बाद देश के बड़े बड़े महानगरों में हजारों शायद लाखों महिला कर्मचारी अपने घर लौटने का प्रबंध खुद करती और हर रात एक और आशा के बलि चढ़ने का डर लगा रहता है।
मुजरिमों के कई चेहरे हो सकते हैं, जाने अनजाने या नकाब पोश, और नकाब भी कई किस्म के हो सकते हैं, कुछ कपड़े के बने तो कुछ कपट के। लेकिन महिला कर्मचारियों के जो जान पहचान वाले और विश्वसनीय पुरुष कर्मचारी हैं, अगर वो अपनी साथी महिलाओं को काम के बाद सुरक्षित जगह तक पहुंचाना अपना धर्म, अपना दायित्व, अपनी ड्यूटी समझ लें, तो ऐसे कई केसेस टल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये कोई परमानेंट उपाय नहीं है, लेकिन हर ऑफिस, हर बिजनेस का ये दायित्व है कि वो अपने यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को घर से लाने और घर तक वापस छोड़ने की जिम्मेदारी बिना चूक निभाए। और यह हर महिला का हक है, किसी ऑफिस की या किसी बिजनेस की मेहरबानी बिल्कुल नहीं। सुनी गलियां सुनसान रास्ते, ये हर शहर की सच्चाई है, और इन गलियों में लालच और विकृति का पनपना ये उससे भी बड़ी सच्चाई है। इस कड़वी सच्चाई से मुंह फेरने से जुर्म नहीं घटेगा, जुर्म से भिड़ना होगा, लड़ना होगा हम सबको मिलकर। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।